और भाई आज क्या कर रहा है? आज हमारा म्यूजिक कंपटीशन है, आपका चेहरा हमारे लिए लकी है। वही सोच रहा हूँ यार, किसमें बनाऊँ अब वीडियो? किसपे गावे? बिग बॉस पे रोस्ट करना? चलना, रोस्टिंग वोस्टिंग मेरे बस की बात नहीं है भाई, गाली थोड़ी ना खानी है। वैसे तो खुद गाली पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, वैसे इतना फेमस हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक फेंक के मारेंगे मुझ पे। चल तू इतना बोल ही रहा है तो अपुन भी बहुत टैलेंट है, अपुन भी कर सकता है उस टेम। चल शुरू कर। ओके चोटियाँ लग रहा है। तो सज्जनों और उनकी देवियों, आज का कार्यक्रम है बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। धक धक हो रहा है। हालत दूसरों के घर की लड़ाई देख रहे हैं, बहुत मजा आता है। देखो देखो गई। तो मित्रों ये कहानी शुरू हुई सन 2006 में, जब कुछ सेलिब्रिटी, हालांकि समझते हो अपने आप को लेकिन है नहीं, उनके लिए रोजगार का दरवाजा हर जगह से बंद हो गया था। निकल। तभी उनके लिए एक बिग बॉस नाम का परिंदा उम्मीद की किरण बन के आया। तो इसी तरह बिग बॉस के पर्चे बांटे गए और उनमें से कुछ भवरों को फंसाया गया। नहीं नहीं श्रीमान, आप गलत जगह आ गए हैं, लगता है आपको कहीं और जाना है। तुमको पता है? हाँ मुझे पता है, यहाँ से दो गली छोड़ के एक सेट होगा, वहाँ पे तीन लोग खा पी रहे होंगे। अनु मलिक है। हाँ वहाँ जाओ। तो मित्रों आते हैं अपने इसी चर्चे पे, पहला जिस भड़वे भवरे का मैं नाम लेना चाहूंगा वो है ये मुस्तंडा। जी हाँ मित्रों, यही है बिग बॉस का सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चूती आदमी। ये आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ये बंदा यहाँ पे क्यों है, किस लिए है और इस बंदे का यहाँ पे क्या काम है। ये बंदा यहाँ पे आता तो नवाबों की तरह है। तेरा बाप यहाँ कुछ भी हो सकता, मेरा एक डर था ब्लैकमेलिंग का, वो खत्म हो गया। और जाता पिशाच की तरह है। ये बंदा 3 सीजन से आ रहा है सिर्फ एक काम के लिए। तुम पराठों की दुकान क्यों नहीं खोल लेते अपनी? बहुत चलेगी तुम्हें मुंबई में, टेलीविजन सब आएंगे, सारे इंडस्ट्री के लोग। बर्तन धोने, पहले सीजन से इसकी आमदनी बर्तन मांजने से शुरू हुई और दूसरे सीजन में भी इसका यही हाल था और अब भी इसका यही हाल है। और जब इसके सारे बर्तन धुल जाते हैं तो ये अपने ही जैसे बंदों को धोता है। तूने भी टॉफी खाई है, कांपता है, खा चुका है मेरी टॉफी। तूने भी खाई है साले, है जगह घूरा आके निकालूंगा। तूने भी टॉफी खाई है, कांपता है, खा चुका है मेरी टॉफी। तूने भी टॉफी खाई है, अब हाथ पे लगा रही है, अब मारूंगा, अब कम नमस्ते का तू मेरे को, हां मारूंगा सही है। फिर इसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और बर्तन मांजने का कार्य किसी और सज्जन को दे दिया जाता है, जो इससे भी बेहतरीन और बड़े ही फिनिशिंग के साथ बर्तनों को चमकाता है। अरे अरे पागल हो गया क्या, इनकी वीडियो भी दिखा रहे हो? सॉरी गाइज, मैं इन शख्सियत की बात नहीं करता, ये तो हमारे सलमान भाई है, सलमान भाई। तो जब बिग बॉस के घर के बर्तन और बढ़ जाते हैं तो इसी विकास नामक परिंदे को फंसाया जाता है और उसको इसी बर्तन मांजने के कार्य में व्यस्त किया जाता है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, बिग बॉस में आके अपने को हलाल करता है। मतलब कि ये इंसान पूरी तरह इस दुनिया में सिर्फ बर्तन मांजने के लिए आया है। मुझे तो लग रहा है जब इसकी पुश्तें भी हो जाएंगी, पुश्तें होंगी भी नहीं होंगी, फिर भी ये उनके साथ यहाँ पे आएगा। ये बंदा कैसे रह गया? तो अब हम आते हैं उस शख्सियत की ओर जिसकी आवाज के सब दीवाने हैं और उसी से इस घर का जनरेटर चलता है।
जी हाँ मित्रों, आपने सही समझा, ये हमारा इकलौता सुरीला निंदनीय शख्सियत एजाज खान। एजाज खान, पुलिस मुझे मार रही है, ये हो रहा है। अरे ये बड़वा थोड़ना है, ये तो सस्ता वाला है, इससे भी नीचे वाला। जी हाँ मित्रों, ये वही परिंदा है जिसको जंगल से पकड़ के यहाँ पे छोड़ दिया गया है। राजू आपने ओछी बात की है ना, उस दिन की बात उठा के उस नॉमिनेशन से मुझे फर्क पड़ा था। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना। निकाल आई थी, तुम्हारे सामने आई थी ना, इमोशंस के साथ आई थी, तुमने खिलवाड़ किया था। नॉमिनेट क्यों किया? जी हाँ मित्रों, यही है वो जो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन क्या बोलता है इसको खुद नहीं पता। जी हाँ मित्रों, ये वही इंसान है जो अपने मुंह के गीले गीले छींटों से दूसरों की आंखों को निशाना बनाता है। मैं इतना जानती हूँ कि वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। जी हाँ मित्रों, इसको भी यही काम के लिए रखा गया है। देखो तो ये डर है, मैं कैप्टन अगर गलती से भी बन जाऊँ काम कौन करेगा? तू ही करेगा बड़वे। मुझे नॉमिनेट करोगी तो मैं बाहर जाऊंगा, मेरे भी इमोशंस हैं। अजी घंटा में तेरे को इमोशन नहीं, तेरे को लूज मोशन है यहाँ पे जो कि गले में हो रखे हैं। अबे कौन है? कल के ऊपर से टिप्पी को हैमर कर। पागल हो रहेगा, चैनल बंद कराओगे क्या मेरा? इसके बारे में क्या बोलूं मैं? तो मित्रों, इसके बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इस नरभक्षी परिंदे से आप अपने घर के सेब और केले दोनों बचा के रखिए, क्योंकि ये बिग बॉस के घर के आधे दर्जन सेब अकेले खा चुका है, हगने से लेके मुतने तक। इसके हाथ में आपको सिर्फ लाल लाल केला देखने को, हगने से लेके मुतने तक इसके हाथ में आपको सिर्फ लाल लाल सेब देखने को मिल जाएगा। कितना मगन हो रखा है सेब खाने में, वाह। मैंने बाथरूम में अपना सेब रखा था, वहां से जहां चले गया। मैंने ठूंढा खाया है तुम्हारा सेब, मैंने सिर्फ तुम्हारा केला खाया है, तुम भी खाते हो सेब, आधे दर्जन सेब खा गए उस घर के, समझे? मैंने नहीं खाया है, तुम ही ने खाया होगा, सेब खा खा के मोटे हो गए। तो मैं तेरा बाप का थोड़ा खा रहा हूँ, कल भड़वी तू भी निकल। मैं खाऊंगा सेब, मैं नहीं खाया है। यहाँ तो नहीं है, मैंने तो इसका भविष्य भी देख लिया है। जब ये घर से निकलेगा तो प्रोडक्शन वालों से एक ठेला मांगेगा और उसी दिन से ये सेब बेचने को बैठ जाएगा। कपड़े धोना कितना मुश्किल है, मुझे पता ही नहीं था। मेरा मैंगो, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, बाहर निकाल देंगे। खाली और चिल्लाते क्यों? ए मारो उसको। और अगर हम यहाँ पे खाने की बात करें तो यहाँ पे खाने को खाया नहीं जाता, बल्कि दूसरों से अपने खाने को कैसे बचाए वो सिखाया है जाता। नहीं भाई, रहने दो भाई, मैं छुपा दूंगी कसम से। अरे मेरी बात सुनोगी? नहीं मैं छुपा दूंगी। मेरी बात सुनोगी? बोलो ना। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। मैं जूली तेरे सारे कीड़े इनके अंदर जाए, ये कॉफी अगर चुराए तो अंदर के 200 साल पुराने कीड़े। और इस घर के जो गधे हैं वो सिर्फ एक चीज को छोड़ के बाकी सब पे जा सकते हैं। किस पे? बाप पे जाना नहीं। किस पे? बाप पे जाना नहीं। किस पे? बाप पे जाना नहीं। हाँ किसी और पे चलना, लेकिन बाप पे जाना नहीं। बाप पे जाना नहीं। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी तो एक और सर्वश्रेष्ठ टॉपिक बाकी है।
हीरो, वो ये है कि यहाँ पे सब कुछ कर लेना, यहाँ पे पराठे को तेल लगा लेना या खुद को तेल लगा लेना, मार लेना या मरवा लेना, फाड़ लेना या फड़वा लेना, लेकिन 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 मैं हाथ मत लगाओ, क्या करेगा? मैं हाथ मत लगाओ, क्या करेगा? डंडा बनाऊंगा, बना के दिखा। हाँ जी दोस्तों, अब हम आते हैं उस शख्सियत की ओर जिसका समय समाप्ति की घोषणा, ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, चलिए जाइए जाइए यहाँ से। हाँ जी दोस्तों, आज का कार्यक्रम बस यही समाप्त होता है। इस कार्यक्रम को समझाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप अपनी लाइफ पे बिग बॉस देखो या ना देखो, लेकिन अपनी लाइफ को बिग बॉस मत बनने दो, क्योंकि एक महान रोस्टर ने कहा है, दुनिया टमाटर चूसती, टमाटर चूस है, टमाटर चूस रहेगी। हाँ बस यही कहूंगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगी हो तो जो भी वटावर, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साइड वाले बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जब उस बेल आइकन को दबाओगे तो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।